हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे, कक्षा 3 की, जिसका नाम है व्याकरण उपवन। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पार्ट 14, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पृष्ठ संख्या 58 का अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 स्टूडेंट्स, ये आपको कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये आपको कॉपी में करने हैं, और क्रियात्मक गतिविधि या आपका गृह कार्य जो आपको पुस्तक में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो गहने बनाता हो, सुनार। जो फल खाता हो, फलाहारी। जो खेती बाड़ी करता हो, किसान। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो लकड़ी का काम करता हो, बढ़ई। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो किसी से ना डरे, निडर। कमल के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं, वे हैं बढ़ई। राहुल किसी विद्यालय में पढ़ाता है, वह अध्यापक है। मोहित के पास धन नहीं है, वह निर्धन है। प्रदीप के मामा जी खेती बाड़ी करते हैं, वे किसान हैं। शर्मा जी मांस मछली नहीं खाते, वे शाकाहारी हैं। निम्नलिखित के लिए एक शब्द के लिए वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। ठीक है, वार्षिक, वर्ष में होने वाला। कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। चित्रकार, जो चित्र बनाता है। डाकिया, जो पत्र देता हो, पत्र बांटता हो। अमर, जो कभी ना मरे। चिकित्सक, जो इलाज करे या चिकित्सा करे। धनी, जिसके पास धन हो। स्वदेशी, अपने देश की वस्तु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कॉपी में करना है, ये आपका गृह कार्य है, कक्षा कार्य, और आपका गृह कार्य ये है। चित्र के आधार पर वाक्यांश और एक वाक्यांश के लिए शब्द लिखना है। आपको एक वाक्य लिखना है और इसका एक शब्द लिखना है। देखिए धोबी है, यहाँ आप लिखेंगे धोबी और फिर इसका वाक्य बनाएंगे। ये है सैनिक, सैनिक के बारे में लिखेंगे यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करना। सो रिमेंबर दैट ऑल ऑफ यू।